हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का पार्ट वन है और पार्ट टू भी आएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इन दो पार्ट में आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास डेली 11 से 12 के बीच में मैथ की वीडियो, शाम के टाइम रीजनिंग की वीडियो 6 से 8 के बीच में और रात को जो 10 बजे लाइव टेस्ट होता है सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देख लिया करो और हो सके तो लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगे तो। देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए इसमें दो कंडीशन बनती है आपकी, एक तो जब रेलगाड़ी किसी खंभे को या फिर किसी आदमी को पार करके जाती है, ठीक है, जब किसी ऐसे चीज़ को पार करके जाएगी जिसकी कुछ लंबाई नहीं हो सकती है तो उसमें केस अलग बनता है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करके जाएगी यानी कि प्लेटफॉर्म की तो एक लंबाई होती है, या फिर किसी खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करके जाएगी, या फिर किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करके जाएगी। तो आज 6 टाइप के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो में, अलग अलग टाइप का, ठीक है। किसी भी टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है इस पूरे रेलगाड़ी वाले चैप्टर में, समय निकालने के लिए कि कितनी देर में पार करेगी रेलगाड़ी की लंबाई, और डिवाइड कर देते हैं रेल की चाल से ही, जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसी से उसकी चाल से भाग कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहले इससे समझते हैं, फिर इसी में मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या आपको चेंज करना है जब किसी अलग अलग चीज को पार करके जाएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 150 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर लंबाई दे रखी है मीटर में तो चाल चाहिए कि मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अगर लंबाई दे रखी है किलोमीटर में, ठीक है, तो चाल चाहिए कि किलोमीटर पर आर में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये बदलना कैसे है, देखिए वैसे मैं ट्रेन वाला चैप्टर पहले भी कवर करा चुका हूँ, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जो मतलब कि मैंने कम से कम भी 15-20 मिनट आपको बेसिक चीज़ें बताई थी और बिल्कुल सब कुछ, तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है दो वीडियो का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें ही बीच में बातें बताता रहूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 54 किलोमीटर में 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 से 54 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चाल है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी वो अब 15 मीटर पर सेकंड में आ गई है, इसको यूज करना है हमें क्वेश्चन में, क्योंकि मीटर में दे रखी है ना लंबाई, तो 150 मीटर को 15 मीटर पर सेकंड से भाग करेंगे तो 10 सेकंड में पार कर जाएगी इस आदमी को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन भी रेलवे में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए गलती से नंबर डले हुए आज, ये 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे कोई मतलब नहीं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है, वह 80 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए एक रेलगाड़ी है जो कि 270 मीटर लंबी है, अब 180 मीटर एक पुल है 180 मीटर लंबा, इसको कितनी देर में पार कर जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, कंडीशन क्या हो जाती है, जब भी एक लंबी मतलब रेलगाड़ी एक किसी लंबी चीज़ को पार करके जाती है, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ होगी, अब वहाँ पे तो एक आदमी को पार करके जाती, उस आदमी की तो कोई लंबाई नहीं हो सकती, ठीक है, लेंथ नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इस पुल की लेंथ कितनी दे रखी है, 180 मीटर। तो यहाँ पे आपको बस एक काम करना है, दोनों को प्लस कर लेना है। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ रेल की लंबाई जो होती थी उसे रेल की चाल से भाग कर देते थे, जब किसी लंबी चीज़ को पार करके जाएगी तो दोनों की लंबाई को प्लस करना है और ट्रेन की चाल से भाग कर देना है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और डिवाइड कर दिया रेल की चाल से। अब यहीं पे हो जाता, इस पुल की जगह किसी ट्रेन की बात करते कि एक ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे, उसको पार करके जाएगी कितनी देर में,
तो उस ट्रेन की लंबाई को प्लस कर लेते हैं, यानी कि दोनों की लंबाई को प्लस कर लेंगे जब भी किसी लंबी चीज को पार करके जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल का सिंपल क्वेश्चन है, बस आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ जाते हैं। देखिए फॉर्मूले में मैं चेंज नहीं करने वाला हूं, बस चेंज क्या हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल से, बस यहाँ पे अगर पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई को भी प्लस कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहने वाला है जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे 270 180, तो डिवाइड कर देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा 450, और डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगी, और 45 से 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेकंड में पार कर जाएगी वो रेलगाड़ी उस पुल को। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये अलग टाइप का है। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का लिया है ताकि आपके पास टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। देखिए मैं चाहता हूँ जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना एक एक चैप्टर में से, वो सारे आपको कवर करा दूँ। ठीक है, अलग अलग पार्ट अपलोड करूँ, चाहे फिर कुछ भी, जब भी मुझे अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मिक्स क्वेश्चन में बता देता हूँ, ताकि आपके पास हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाए, कर सको आप, और फिर उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए जब आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 190 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए एक तो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, एक है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तेज वाली ये हो गई। अब ये वाली रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी ये पूछा है। ठीक है, तो जो तेज वाली गाड़ी है वो धीमी वाली गाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी। अब यहाँ पे कंडीशन एक और चेंज हो गई, सब कुछ सिस्टम वही है, मतलब आपको वही है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई को प्लस करना है और चाल से भाग करना है, बस एक यहाँ पे जब भी एक ही डायरेक्शन में दो मूविंग ऑब्जेक्ट जाते हैं, दो रेलगाड़ी जाती है, या कोई भी दो आदमी जाते हैं, या फिर दो कार जाती है, कोई भी जब भी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों की स्पीड जो भी होगी उनका डिफरेंस लेते हैं, और जब एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा तो दोनों की स्पीड को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लंबाई को प्लस कर लेंगे, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लंबाई को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबा हो जाता अगर लिखता मैं, इतना आप समझ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं ट्रेन 1 यहाँ पे, यानी कि रेलगाड़ी 1 की लंबाई प्लस रेलगाड़ी 2 की लंबाई, ठीक है, और रेलगाड़ी 1 की स्पीड और रेलगाड़ी 2 की स्पीड को माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया जब भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इन दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों की स्पीड क्या है, सॉरी लंबाई क्या है, 190 और 230, दोनों को प्लस किया। अब ये जो इन्होंने इनकी चाल दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर में, और जो लंबाई दे रखी है मीटर में, तो सबसे पहले तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब मीटर में बदलना पड़ेगा तो हम इनको अलग अलग ना बदल के इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे डिफरेंस चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इस वाली ट्रेन का और इस वाली ट्रेन का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का। भाई 55 में से 35 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस आया है, उसको बदल लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 20 इंटू 5/18, तो इसको कट करेंगे 2 से तो 9, और इसको कट करेंगे 10, तो 5 की 10 में करेंगे तो 50/9। अब इसको कट मत करना, 50/9 ही लिख लेना, क्योंकि अगर आप इसको कट करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने से आपका क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। तो 50/9 को वैसे ही लिख लो, तो 190 प्लस 230 प्लस किया और चाल क्या आ गई हमारी, 50/9। ठीक है, अब ये 50/9 जब ऐसे लिखा होता है जो 9 ऊपर चला जाता है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 420/50 और ये 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 420 इंटू 9 और अपॉन में 50। ठीक है, तो अब इसको 0 से 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा, इन दोनों की 42 की 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 378 और नीचे भाग कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 75.6 सेकंड में पार कर जाएगी जो तेज चल रही है रेलगाड़ी, उस धीमी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी, कितना, 75.6 सेकंड में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी दो रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों की रेलगाड़ी की तो प्लस होगी लंबाई, क्योंकि जब भी मैंने बताया ना, कभी भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट जिनकी लंबाई ली जा सकती है दोनों को तो प्लस कर दो। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, और चाल अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर दो दोनों की चाल को, डिफरेंस जो भी आएगा, और जो एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि एक इस साइड को आ रहा है एक इस साइड को आ रहा है, तो दोनों की चाल को प्लस कर दो, यहाँ पे नीचे प्लस करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैंने वही लिया है, तो बाकी आपकी समझ में अगर आ गया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, क्योंकि कल पार्ट 2 मैं जो लेके आऊँगा उसमें कवर करा दूंगा एक बार और। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 क्वेश्चन है ये, 3 नहीं है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितनी समय में पार कर लेगी। अब यहाँ पे देखिए विपरीत वाला केस आ गया है, ठीक है, और चल कौन रहा है विपरीत दिशा में, एक आदमी चल रहा है। तो आदमी चलेगा तो इसका मतलब क्या है, आदमी की कोई लंबाई तो नहीं होती है, ठीक है, पर स्पीड जरूर एक है उसकी जो इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ही लंबाई ले लेंगे, जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही, और चाल को क्या करेंगे जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाई तुम मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा कि आपकी समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अभी पार्ट 2 जो है उसमें कवर करा दूंगा अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए दो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो ट्रेन हो गई और एक आदमी हो गया, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि इसकी तरफ को चल रहा है और इसकी तरफ को चल रहा है। आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 150 मीटर लंबी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी और दूसरा जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही से भाग कर देंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, क्योंकि दोनों मैंने बताया ना, जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब स्पीड को प्लस कर देते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं यानी कि ये भी इस साइड में और ये भी इस साइड में, तो दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी, अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तो इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब तक आप समझ गए होंगे मीटर पर सेकंड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकंड में आपकी मीटर में दे रखी है लंबाई, तो मीटर पर सेकंड में ही हमें चाल चाहिएगी। तो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदलेंगे हम किस में, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। जैसे किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 5/18, और मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5, ये आपको ध्यान रखना है इनको बदलने के लिए। यही आपका मतलब एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो भी है, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। 5/18 जब मीटर किलोमीटर से मीटर में, और मीटर से किलोमीटर में, तो 18/5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36/18, 6 से करेंगे 10, तो 50/30, इसको 50/3, इसको कट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लिख लेना 50/3। तो 150 को 50/3 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गई दोनों की चाल मीटर पर सेकंड में, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 × 3, और नीचे आ जाएगा 50, इसको काटेंगे इससे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 × 3 = 9, तो 9 सेकंड में पार कर जाएगी ये आपस में, ठीक है। तो व्यक्ति को कितनी देर समय में पार कर जाएगी ये रेलगाड़ी, 9 सेकंड में पार कर जाएगी। अब आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी, ठीक है। बस आपको क्या देखना है इसमें, रेलगाड़ी की लंबाई लेनी है, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं है, ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल को दोनों को प्लस कर लेंगे, अगर वो किलोमीटर में दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे और उसको बस भाग कर देंगे। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड में जो आया है इसको काट के नहीं लिखना है, इसको पॉइंट में नहीं लेके आना है, मैंने पहले बताया पॉइंट में लेके आती है आपका क्वेश्चन डबल हार्ड हो जाएगा, जितना भी आपको हार्ड लग रहा होगा उससे डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिर इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा काटो मत, जितना कट सकता है सिंपली उतना काटो, बाकी वैसे छोड़ दो, क्योंकि बाद में चीज़ें बढ़ती जाती है तो कट जाती है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इससे कट गया तो सिंपल आपका 9 आ गया आंसर, 9 सेकेंड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये शायद मेरे हिसाब से रेलवे में पूछा जा चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं, पर ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा है, एक बार मैंने देखा था तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। तो इसको कैसे करना है आपको, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो मान लीजिए ये एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, और इसमें ये आदमी बैठा है, यहाँ पे आगे वाले डिब्बे में एक आदमी बैठा है, ठीक है। फिर उसने बोला कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकंड में, उससे एक विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी आ रही है और उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, और ये 200 मीटर लंबी है में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसकी चाल बतानी है,
ठीक है, क्या बतानी है इसकी? चाल बतानी है इस रेलगाड़ी की। अब हमें यहाँ पे इस रेलगाड़ी की चाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही है, इस आदमी को पार कर रही है। इस आदमी को पार करने का मतलब क्या है? रेलगाड़ी यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आते ही उसको पार करना स्टार्ट कर जाएगी, और जब तक रेलगाड़ी यहाँ तक जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ये है, जब तक आदमी को ये नहीं बताया जाएगा ना कि कहाँ पे बैठा है आदमी रेल में, अगर आदमी यहाँ पे बैठा होगा तो रेलगाड़ी पूरी ट्रेन को पार करके जाएगी, तो उसमें हमें क्या चाहिएगा? पूरी रेलगाड़ी की लंबाई चाहिएगी। अगर आदमी बैठा है बिल्कुल शुरू में, और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया जाता तो हम क्या मान लेते हैं कि आदमी सबसे शुरू में बैठा है, पहले डिब्बे में, ठीक है। तो जब रेलगाड़ी यहाँ से इसको पार करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पीछे वाला डिब्बा जब तक यहाँ तक आएगा वो उसे पार कर चुकी होगी, जबकि ट्रेन अभी तक पार नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, रेलगाड़ी अगर एक आदमी को पार कर रही है ना, रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को, तो वो सिर्फ उस आदमी को पार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जब वो यहाँ तक आएगी, ठीक है, और ये भी चल रही है, तो उसकी तो स्पीड हम प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पर बात क्या है समझने की, ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है, ना कि इस ट्रेन को। इस आदमी को पार करके यहीं पे पार हो जाएगी, और जबकि ट्रेन पार नहीं होगी जब तक। तो हमें इस ट्रेन की लंबाई की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी चाहिएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें मिल गई, अब स्पीड हमें निकालनी है, इस ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी। इसकी हमें स्पीड दे दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, तो इसको 30 किलोमीटर को सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/3 आ जाएगा, वैसे ही लिख लेंगे 25/3, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब रेलगाड़ी की लंबाई और S1 S+ यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों रेलगाड़ी की स्पीड प्लस करें, क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब क्या करना है आपको, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 9 सेकंड में पार कर जाती है, समय हमें मिल गया है, और यहाँ पे स्पीड वन कितनी है? 25/3, और स्पीड टू हमें निकालनी है। स्पीड टू को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब इनकी कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 9, और ये 3 ऊपर चला गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की इसमें करेंगे तो 150, और इसकी आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए गलती से लिखा गया था, यहाँ पे आएगा 9 की 25 में करेंगे तो 200 आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 225 जो होगा आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 450 ना बच के यहाँ पे 475 बचेगा, ठीक है, 475। अब इस 475 को 9x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 52 point something आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो अगर आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा से मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए देखिए, बस आपको सिंपली क्या करना है, 9 की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। अब इस 225 को इधर ला के इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 475। अब 475 को 9x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 52 point something आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ना कि 250। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो वही वाली कंडीशन बनेगी जिसमें एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ठीक है, यानी कि ट्रेन भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है और वो आदमी भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की स्पीड क्या है, ट्रेन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे क्या करना है, जब भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस लेते हैं, उन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जब एक आदमी जाता है, ठीक है, तो बस रेलगाड़ी की लंबाई ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, तो 300 मीटर ले ली हमने, यहाँ पे ये हो गया। स्पीड 1 स्पीड 2 देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर के सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब 300 को 10 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 इसे डिवाइड करेंगे तो 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आएंगे क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका पार्ट 2 रहेगा
उसको देख लीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं कल के लिए फिर वहाँ से क्वेश्चन उठा सकूँ, ठीक है। क्योंकि पार्ट टू में जो मैं लेके आऊँगा, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, बहुत सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अलग से मैंने सबकी बना रखी है, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, जीके और आपकी करंट अफेयर सबकी आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।